दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसा गांव में लेके आया हूं जिसमें नांगर तो चलाते हैं लेकिन उसमें बैल को नहीं फांदा जाता है और अपने से माने ये लोग नांगर को जुताई करते हैं खुद से। आपको मैं दिखा रहा हूं वीडियो के माध्यम से, आप देख सकते हैं। देखिए तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या कौन सा खेती हो रहा है और कैसा कर रहे हैं और क्या क्या लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बैल फांदते हैं नांगर में, लेकिन बैल तो फांदे नहीं हैं लेकिन अपने दम पे तो एक ऐसा खेती भी किया जा सकता है कि जिनके पास कुछ ना हो तो अपने नांगर कैसा मतलब चलाते हैं, कैसा जुताई करते हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पूरा परिवार लगा हुआ है ये जुताई में। यहाँ पे बच्चे लोग भी हैं जो यहाँ पे वो मक्का का वो कर रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं बच्चे लोग। ये देखिए इनको सब आइडिया है कि कितना कितना दूरी पे मक्का का बीज लगाया जा रहा है और इनको पूरा आइडिया है। इतना सफाई से एकदम सफाई से किया जाता है ये जुताई। और इतना बड़ा खेत को खुद इसी तरह जुताई किए हैं। पूरा जंगल से घिरा हुआ है ये। बहुत अच्छा भी लगता है कि जब खेत को हम अपने दम पे जुताई करें जहाँ पे बैल का साधन ना हो तो जुताई इसी तरह किया जाता है गांव में। आपका क्या नाम है बेटा? सुखवती। सुखवती, देखो क्या लगा रहे हो आप? मक्का। मक्का देखो ये फिर पानी गिरेगा तो अंदर घुस जाएगा, ये निकलेगा पौधा इसका। और ये क्या डाल रही है? क्या डाल रही है बेटा? कौन सा बीज? कौन सा बीज है? ये देखो बच्चे लोग भी सब लगे हैं खेती में।
यार बहुत अच्छा लगता है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बच्चे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं। देखो कितना अच्छा से लगा रही है, एकदम मस्त। ये देख कितना सारा मक्का है। ये देखिए चालीस।